दबंग सलमान खान ने उठाया ये बड़ा कदम, करेंगे शहीदों के परिवार की मदद। भारत के 40 से ज्यादा जवानों के शहीद के बाद हर कोई जवानों के परिवार वालों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। शनिवार को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन शहीदों के परिवार वालों की मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने हर परिवार को 5.5 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया। वहीं अब सलमान खान भी आगे आए हैं। सलमान खान ने अपनी एनजीओ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से शहीदों के परिवारों को मदद की पेशकश की है। सलमान की इस पेशकश की भारत के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने धन्यवाद कहा है। उन्होंने ट्वीट कर सलमान को धन्यवाद बोला और कहा कि वे स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे सलमान के बीइंग ह्यूमन से मिली मदद को शहीदों के परिवारों तक पहुँचाया जाए। पुलवामा हमले में अपने 40 जवानों को खोने के बाद बॉलीवुड भी गमगीन है। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, आमिर खान, सलमान खान समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए दुख और गुस्सा जाहिर किया है। इस हमले को हुए 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पूरा देश आज भी शौकी लहर में दौड़ रहा है। देश के हर कोने से शहीदों के परिवार की मदद के लिए लाखों लोग आगे आ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के कई सितारे भी आगे आए। उरी फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। रॉनी स्क्रूवाला ने ट्वीट कर कहा कि टीम उरी आर्मी फैमिली वेलफेयर फंड को 1 करोड़ रुपए देती है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ये राशि पुलवामा हमले में शहीद हुए परिवारों को मिले। हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वे भी इस मुश्किल घड़ी में जवानों का साथ दें। फिल्म के लीड हीरो विक्की कौशल ने भी जवानों को श्रद्धांजलि दी थी।